रूम में, एक इंटरव्यू में या कंपनी में कैसे जाना, कैसे कपड़े पहन के जाना, कैसे अपने आप को ग्रूम रखना। मैं ये नहीं बोलता कि ब्रांडेड कपड़े पहनो तो इसके पहनो ब्रांड के और उसके पहनो ब्रांड के, दैट इज नॉट ग्रूमिंग। पर जो हो साफ सुथरे हो, प्रोफेशनल हो, अप टू डेट हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और क्या हो सकता है? चलिए आप अब एक सॉफ्ट स्किल्स बताइए, आप बताइए और क्या हो सकता है, बताइए आप बताइए। कॉन्फिडेंस हो सकता है, और बताइए। कॉन्फिडेंस कैरेक्टर होता है। चलिए अभी इसमें टेक्निकल नहीं जाएंगे, अच्छी बात है। स्पोर्ट इज टीम स्पिरिट, स्पोर्ट स्पिरिट होता है। या आप बताइए। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन के अंदर क्या है? चलिए हम जहां से शुरुआत कर रहे थे, चार से चीजें बात की, कम्युनिकेशन की बात की, लीडरशिप की बात की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की, नेगोशिएशन की बात की, और इसके अलावा और चार छह चीजें हैं जो एक इंटरव्यू के बाद हमको किसी भी कंपनी में ज्वाइन करना है तो उसमें जब आगे प्रमोशन हुए, हम इंडिविजुअली एक कंपनी में एंटर हुए, उसके बाद जैसे जैसे हमारा प्रमोशन हमारी स्किल के हिसाब से होता है, हमारे टैलेंट के हिसाब से होता है, और जैसे हम कंपनी में ग्रोथ करते जाते हैं वैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है फर्स्ट, और वैसे ही हमारी फिर कंपनी की हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है। जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी, जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो हमें फिर उस माहौल के अंतर्गत हमको स्किल्स को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। ये हमको जॉब ज्वाइन करने के समय भी जरूरत में आती है, जो एक इंटरव्यूअर आपने चाहता है, इंटरव्यूअर चेक करता है, और जब हम जॉब में एंटर हो जाते हैं उसके बाद आपको जानकारी कि इस समय हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की बड़ा सेफ साइड बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अभी क्या हो रहा है, इस समय जो नॉन परफॉर्मर हो रहे हैं आईएएस लेवल के लोगों को भी अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फायर कर रहे हैं। अभी अभी का टेक्निकल अपडेट है, ट्विटर को किसने अभी होल्ड किया है? एलन मस्क ने किया। उसने कितनी लंबी छटनी कर दी ऊपर से नीचे तक, सीईओ को हटा दिया, टॉप थ्री ऑफिशियल्स को हटा दिया 70%। आप आज जोमेटो का न्यूज पढ़िएगा, कल मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा, जोमेटो है, स्विगी है, और जो भी टेक्निकल से वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, नॉन फर्म परफॉर्मर को निकालते जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़े ग्रेड टू ग्रेड थ्री सिटीज में थोड़ा सा ये एक चलन है कि गवर्नमेंट कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, क्या लगता है कि लाइफ सेफ हो गई, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे वहां भी सिनेरियो चेंज होते जा रहा है, वहां भी क्या हो रहा है, अब नॉन परफॉर्मर लोगों को निकाला जा रहा है। मैं कोई आपको डरा नहीं रहा, ये मत सोचिएगा कि आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ, बस आपकी आज की जो करंट सिचुएशन है मार्केट की उससे आपको अवगत करा रहा हूँ, राइट। पहले क्या था, जब कोरोना नहीं था वैश्विक परिदृश्य अलग था, कोरोना होने के बाद वैश्विक परिदृश्य पूरा चेंज हो गया। अब इसमें जो हम जो सबसे अच्छा होगा, डार्विन बात था कभी आपने बायो में पढ़ा होगा, थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे, एक सिद्धांत हुआ करता था, जो फिट होगा वही मार्केट में चलेगा। तो आप यदि फिट नहीं हुए, आप यदि वातावरण डालू बात है कभी पढ़िएगा कि आप या तो अपने को बाजार के अंतर्गत या माहौल के अंतर्गत अपने को ढाल लीजिए, अपने आप को ढाल लिया तो ठीक, नहीं तो आप खुद बाहर हो जाएंगे या आपको वातावरण क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसलिए आज हमको ये सॉफ्ट स्किल सीखने की बहुत जरूरत है। जब हम पहली बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स की, अब देखो बोर मत हो गया, बीच में हम एक दो गेम भी कुछ करेंगे, थोड़ा सा हलचल करेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे आप, ठीक है। एक कम्युनिकेशन स्किल की जब हम लोग बात कर रहे थे, देखो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी टोन देखिएगा, जब समझाने की बात आती है थोड़ा सा तेज हो जाता हूँ, जब समझाने की बात होती है थोड़ा सा धीमा, इसको पिचिंग बोलते, क्या बोलते हैं, पिच बोलते इसको, जो कब हमको किससे कैसी बात करनी है, कैसे बात नहीं, किस साउंड में बात करनी है, किस पिच में बात करनी है, कैसे हमको जब हम बात कर रहे हैं तो हम अभी वर्बल के साथ नॉन वर्बल दोनों बात कर रही है। वर्बल जो मैं बात आपसे मुंह के द्वारा कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, जो स्पीकिंग कर रहा हूँ मैं, और दूसरे नॉन वर्बल है, जब मैं बात करूँ तो हमारी बातों में क्या होना चाहिए, बिल्कुल सहजता होनी चाहिए, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तीसरा क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टोन में बात होनी चाहिए, ना हमारी आवाज ज्यादा ऊपर हो ना आवाज ज्यादा नीचे, ऐसा भी ना हो कि खाली हम बोल रहे हैं तो भैया वो चौक तक आवाज जा रही है, इसके बाद तक और पता चले हमको ये बाजू वाली मैडम ही नहीं सुन पा रही, तो हमको बिल्कुल एक औसत अपनी आवाज रखनी है।
दूसरा नॉन वर्बल की जो बात होती है, मैं प्राय बात करता हूँ बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज भी क्या हो, जब हम बात करें तो हमारा हैंड मूवमेंट प्रॉपर हो, हम बात कर रहे हैं, इससे क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस झलकता है। थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस की बात करूंगी, थोड़ा सा दो दो मिनट बात करूंगा क्यों कॉन्फिडेंस जरूरी है, मोटिवेशन क्यों जरूरी है, और ऐसी कौन सी तीन चीज है आप लोग जानना चाहोगे कि जो हम लाइफ में यदि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो ये केवल तीन चीज के द्वारा हम पा सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कोई चौथी चीज उसके ऊपर होती है, उसकी हम बात करेंगे इस सेशन के बाद। तो हम ये नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं तो बॉडी मूवमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। मैं चाहूँ तो यहाँ बैठ के भी पूरा सेशन ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ ना अपने आप से भी एक्सप्रेस करते जा रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि हम प्रॉपर हमारा हैंड का मूवमेंट प्रॉपर हो। कैसे होना चाहिए, जब हम कभी आगे और बढ़ेंगे फिर बातें करेंगे। सबसे बड़ा होता है एक आई कॉन्टैक्ट, किसी से भी जब बात करना, हम चाहे एक मीटिंग में बात कर रहे हैं, चाहे अभी तक हम इसको अभी इंटरव्यू तक केवल इस समय सीमित रखते हैं आज के सेशन को, तो जब हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, मैडम के सामने मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि दिन भर की मैडम है या सर है इनके साथ, तो पूरे इंटरव्यू में मैं इनको घूरते ही रहूँ, मैं सबको घूरते ही रहूँ, बात करते समय आपको घूरते ही रहूँ। वो घूरते समय हमको प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट ऐसा बना के रखना कि ज्यादा उसको हम घूरे भी ना और ज्यादा अपने आंखों को नीचे भी ना ले जाए। आंखों को नीचे ले जाना, इससे क्या समझ में आता है कि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ज्यादा बातें करते समय हमको ज्यादा यहाँ वहां भी देख के ऐसी बातें नहीं कर रही, उससे क्या होता नहीं यार हम लोग कुछ यू नो, ये प्रॉपर एक जो साइंटिफिक सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स है वो हमको बताती है कि जब भी किसी से बात करें प्रॉपर एक आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करें। अब मैंने बोला कि घूरना भी नहीं तो आई कॉन्टेक्ट फिर कहीं तो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, फिर थोड़ा सा उसका शोल्डर हाँ मैं ऐसा है ऐसा, फिर थोड़ा यहाँ बात कर ली, फिर ऐसे यहाँ देखिए। जब हम टीम में बात कर रहे हैं हमको चलो किसी ने बोल दिया हमारी टीम में अब इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि वो दो चार क्वेश्चन टेरे में समथिंग अबाउट योर सेल्फ, सब कोरोना के पहले होता था, टेरे में समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज योर विजन, कुछ नहीं दिया वो पता चले बोल देता है कि चलो अच्छा ये काम करो, आओ इसमें प्रेजेंटेशन दो जो आपकी क्या है स्ट्रेंथ, आपने कोई प्रोग्राम सीखा, आपने कोई टैली सीखा, आपने कोई भी एक स्किल सीखी, कहते भैया आ जाओ 50 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दो। तो प्रेजेंटेशन में हमको क्या रखना है, सबसे हम प्रॉपर एक तरीके से कैसे आई कॉन्टेक्ट करें, कैसे बातें करें, कैसे सबको हम प्रॉपर एक अटेंशन दें, दैट इज कॉल्ड हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बात, मैंने इनसे बात की जब मैंने आपसे परिचय लिया तो किसी ने बोला गुड मॉर्निंग तो मैं तो बोल सका कैसा लगता क्या सर ये गुड मॉर्निंग, अच्छा सर गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, उसको क्या देना है हमको रिस्पॉन्ड करना है। जब वो हमसे बात कर रहा सर मैंने वहां से एमसीए किया, अच्छा अच्छा सर मैंने फिर ये किया सर मैं अच्छा गुड अच्छा वहां से किया, मैंने किसी से पूछा था अच्छा आप शेड्यूल से, मैंने क्या किया एंगेज हुआ उसके साथ बात में, अपने आप को क्या किया एंगेज किया, उसके बाद में उसको बोलते डायलॉग हमको मेंटेन करके रखना। वो मेंटेन कैसा हुआ, वो धीरे धीरे कैसा होता है, जब हम थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट पे जाएंगे, थोड़ा सा जब हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं कि कभी हम इंटरव्यू ऐसे डेमो सेशन आयोजित करेंगे, कभी वन टू वन डेमो आयोजित करेंगे, तो ये सब चीजें आपको वहां पर सिखाई जाएंगी। तीसरा इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है, तो जब हम 4-6-10 लोगों के साथ कभी प्रेजेंटेशन देने के बाद, आप इस तक सीमित मत रहिएगा कि आज के समय में यदि कहीं पे हो रहा है तो बस यहाँ पे मैडम बैठ गई, यहाँ पे सर बैठ गए और मैंने रिज्यूमे दिया हो गया। जब हम अपर लेवल पर चल जाते हैं तो उसके दिमाग में क्या खुरापात चल रहा है, आज के समय में ये स्थिति हो जाती है कि हम सपोज हमारी 25-30 साल की उम्र है और वो पहला क्वेश्चन यदि बोलता कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जब बोलता कि प्लीज आपके बारे में बताइए अजीत आपके बारे में बताइए, 25 साल की उम्र होते हुए हम अपने बारे में 25 मिनट नहीं बोल सकते, 25 शब्द नहीं बोल सकते, ब्लैंक हो जाता हूँ वहां पर। पुणे में मेरी एक स्टूडेंट थी छाया करके, तो वो टैलेंटेड लगी, 90% मार्क ओवरऑल औसत टैलेंटेड, लेकिन मैं परेशान था कि मैं इतने लोगों को कोचिंग ले रहा था, इतने लोगों को सिखा रहा था और उसके ऊपर मैंने दाव खेला था कि ये लड़की आराम से इंटरव्यूज निकाल देगी, लेकिन वो बैक टू बैक हर इंटरव्यू में फेल हो गया। मगर ये तो मेरा नाम खराब कर देगी, तो मैं उससे पर्सनल बैठ के समझा प्रॉब्लम क्या है। सर इंटरव्यू में जब भी मैं जाती हूँ घबरा जाता है, इसको बोलते एंजाइटी प्रॉब्लम, बोलते ANXIETY समथिंग, कुछ स्पेलिंग होती इसको बोलते एंजाइटी। अभी मैं आप में से कुछ को बोलता हूँ चलो भैया थोड़ा सा ये बताओ, मैंने अभी सिखाया क्या क्या सॉफ्टवेयर, पसीना आ जाएगा ऐसे हाथ में आ जाएगा, इसको बोलते एंजाइटी। क्योंकि ये नेचुरल होती है, कोई बीमारी नहीं है, सबके साथ होती है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट कितने लोग देखते हैं, वो दांतों से ऐसे नेल कटिंग का उसका हैबिट था सचिन तेंदुलकर, वो भी एंजाइटी, कभी कभी एंजाइटी अच्छी भी होती है,
इसको नॉर्मल बोलते तो डर, वो बोलते ना एक निर्मा का ऐड आता था कि दाग अच्छे होते हैं, वैसे डर भी क्या होता है कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन ऐसा भी डर ना हो कि वो हमारी परफॉर्मेंस पे हावी हो जाए। तो जब मैंने उसको बोला वो छाया करके लड़की हुआ करती थी फोन में, तो वो फेल होके आ रही थी, मैं कह रही क्या हो रहा है, क्यों नहीं इसका जॉब में सिलेक्शन हो रहा है। जब मैं उससे पर्सनल बैठ के पूछा भाई क्या क्या समस्या, क्या सर समस्या तो कुछ नहीं, जब इंटरव्यू रूम में जाती हूँ सर, जैसे इंटरव्यूअर को देखती हूँ वहां पर पूरा मेरा कॉन्फिडेंस काला काला, जैसे पर्दा ऐसे काला लगा देते काला छा जाता, कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो डर रही थी, स्ट्रेस में आ रही थी, नर्वस हो रही थी। मैंने कहा ये बार एक काम करना, जैसे इंटरव्यू में रूम में जाओ तो समझो वहां पर इंटरव्यू नहीं बैठे हुए बंदर बैठे हुए, बस उनको एक बार देखते क्या कर देना स्माइल दे देना। वो पूछेंगे भाई क्यों स्माइल कर रहा, कहना सर इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने आने का मौका मिला सर। आपके दिमाग की क्या सफर हो, आपने क्या किया वहां पर साइकोलॉजी को आपने को नर्वस काम किया, डर जाते हैं लोग पहले ही उसमें। ये दो तीन जहां हमने दो तीन मिनट का जो एक रोल कॉल रहता है इंटरव्यू में, यदि उसको प्रॉपर हैंडल कर लिया तो फिर तो हम भी नहीं समझ पाते कि हमने क्या करके आ गया। बस इसको हमको सीखने की जरूरत है, क्यों क्या होता 25 मिनट जब हम 25 साल की उम्र में अपने बारे में 10 मिनट भी कभी कभी नहीं बता सकते। ऐसे शुरू में फेस किया किसी ने, फेस किया इंटरव्यू कितनों ने किया अभी तक, कुछ इंटरव्यू दिया आप लोगों ने, ये आप लोगों आती है समस्याएं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा इसी रूम में जाते सर बाहर निकलते तो पसीना पसीना हो जाता, फिर डॉक्टर बिठाना पड़ता है कभी कभी उसको, कहीं बीपी का इशू ना हो, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, जबकि भी आप 90 डिग्री वाले स्टूडेंट्स सब सॉफ्ट स्किल्स के कारण होता है।